मुझको आज पता चला लोग बेटे के होने पे क्यों खुशियां मनाते हैं और बेटी के होने पे शांत हो जाते हैं। आज लवली 1 महीना 8 दिन पर गई। आने से पहले मैंने लिख रखा था किस किस मंदिर जाना है, किसके किसके घर जाना है, पर पूरा नहीं हो पाया। 2-4 मंदिर छूट गए, 2-4 घर छूट गया। आज लवली चली गई। जहां जा रही हूँ सुबह से जैसे लग रहा लवली की आवाज गूंज रही है। स्टोर रूम में जा रही हूँ, सामान बिखरा है। लवली जाती समेटती रहती, अलमारी खोल रही हूँ, मेरी सारा कपड़ा एक लाइन से लगा के, दुपट्टा एक लाइन से लगे से एक लाइन से रखे कि मम्मी को सुबह सुबह जाना होता है, ढूंढ नहीं पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे, सारा रख के। प्रभु आपसे बस एक ही निवेदन है, अगले जन्म में मुझे लवली ही चाहिए, पर एक बेटी के रूप में नहीं, एक बेटे के रूप में, ताकि लवली मुझसे दूर कभी न जा पाए। हे प्रभु मेरी बेटी जहां भी रहे खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बस आपसे यही निवेदन है नाथ। बेटी का जाना एक माँ के लिए, बाप के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए असहनीय होता है। जिसको बाप उस कितना बड़ा कर एक दिन घर छोड़ के चली जाती है, घर के कोने कोने से लवली 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 की आवाज। आज एकदम घर खराब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। पूरे दिन से हम तीन शिवम पापा उसके मन किसी का किसी काम में मन नहीं लग रहा है, सब शांत होकर बैठे।